पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत पाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है कि आखिर किसे यहां पर सीएम चेहरा बनाया जाए, किसको यहां पर सीएम की कुर्सी पर उसकी ताजपोशी की जाए। लगातार यही बड़ा सवाल भाजपा के लिए बना हुआ है। आपको बता दें, पांच राज्य है जिसमें मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। तो बात अभी मध्य प्रदेश की करते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सीएम रेस की बात की जा रही है। यहां पर तो सबसे आगे नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का ही बताया जा रहा है, लेकिन चुनावों के बीच देखा गया और ये अटकलें भी लगी कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम यहां पर सामने आए तो आंकड़ा क्या निकल कर आता है कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ज्यादा वोट पड़े, यानी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना और अन्य कई ऐसी योजना है जिन्होंने युवा और साथ ही साथ महिलाओं के वोट अपनी तरफ खींचे। और यहां पर मोदी मैजिक की बात की जाए तो वो शिवराज के चेहरे से कम रहा, लेकिन यहां पर मोदी मैजिक रहा, लेकिन लगातार यहां पर यही बात कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद मिलेगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और यहां पर बात करें प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाले हुए। इस बीच शिवराज सिंह लगातार यहां पर 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और शिवराज सिंह ने ताजा बयान यहां पर दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा की सारी सीटों का परचम उनके गले में पहनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी यहां पर चल रही है। यानी यहां पर शिवराज सिंह चौहान सीएम रेस में नहीं है, जिनको यहां पर भावी सीएम माना जा रहा है, जिनको यहां कहा जा रहा है कि वही सीएम होंगे, बीजेपी उनका ही नाम चुनेगी, सबसे आगे वही चल रहे हैं, लेकिन वो खुद अपना नाम यहां पर पीछे हटाते हुए नजर आते हैं। यानी इससे और बड़ा सस्पेंस बन गया है कि यहां पर सीएम की गद्दी कौन संभालेगा, वो कौन नेता है जो यहां पर मध्य प्रदेश का सीएम बनता हुआ नजर आएगा। कैलाश विजयवर्गीय जैसे अटकलें चल रही हैं, सिंधिया या फिर कोई और यहां पर तीसरा और नया चेहरा बीजेपी के आला कमान उसको पक्का कर सकते हैं।